तो सर फाइनली रूडी का रैप सेलेक्ट हो गया, ये आपको दिखाते हैं क्या हुआ। इस गाड़ी के मेकअप पे हमने अभी तक तकरीबन 10 लाख रुपया लगा दिए, 10 नहीं ज़्यादा बल्कि। फिर भी जब आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं ना, फिर आपका दिल टूटता है। ये किधर लगा है? दूसरी चीज़ ये लगी, अब ये पता नहीं कब लगा है, क्या लगा है, लेकिन इट इज़ वॉट इट इज़। कहने का मकसद ये है कि नए ज़ख्म गाड़ी को लग चुके हैं, इसके मेकअप को हट के थोड़ा सा गाड़ी के इंजन की तरफ आना है। इंजन से मुराद फ्यूल पम्प। अभी इसके फ्यूल पम्प के साथ चल ही रहा है कि मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं 50,000 लगा बैठा हूँ, उससे वो ठीक नहीं हुआ। रिसर्च जारी है कि क्या क्या फ्यूल पंप में चीज़ें होती हैं जो इफेक्ट करती हैं गाड़ी के स्टार्टअप को। दैट्स द टॉपिक फॉर अनदर वीडियो। आज की वीडियो में यार धूप बड़ी है यार, छाँव में बैठ के मैं। आज की वीडियो में ना एक बंदा है जो हमारी तरह ना रैप का उसको बड़ा चस्का आया हुआ है, मैंने रैप करनी है, तो वो भी आ रहा है जरा, उससे भी रैप डिसाइड नहीं हो पा रहा कौन सा करना है, पेपर कौन सा लगाना है, कैसे लगाना है, तो उसकी हम आज थोड़ी सी हेल्प करने जा रहे हैं साथ। तो आज की वीडियो बेसिकली उस रैप के रिलेटेड होगी। फ्यूल पंप अब हमारी प्रायोरिटी पे है। अच्छा अच्छा है, उसको हमने ठीक करना है। पता नहीं बंदा कब तक आता है, धूप में वेट करवा रहा है हमें। Many unbearable hours later. जिन भाई साहब की मैं बात कर रहा था, जो बड़े बेचारे कंफ्यूज हैं आजकल, इनको रैप चढ़ा हुआ है, रैप वो भाई आ गए, तो आपकी मुलाकात कराते हैं उनसे। भाई क्या हुआ भाई, इतनी सुशील गाड़ी और यहाँ पे देखो छोटा सा, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, अभी देखा मैंने। पहले दिखा दिया था मैंने, अब हम एक्टिंग कर रहे हैं। ये रैप के साथ होता है हर दूसरे दिन। At least you are not confused कि आपने गाड़ी पे रैप कौन सा करना है। आपको ये पता है आपने कर लिया है, आपने कलर, ये आपका कलर है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रही मैंने कलर कौन सा करना है। कोई नहीं, इनका हम कलर लेने जा रहे हैं आज। नहीं कलर आपने सेलेक्ट करना है, हमने रैप चेंज कराने का। हो गया, बेहतरीन हो गया। चलो चलो भाई, तो सर रैप की जिम्मेदारी आ गई हम पे, क्योंकि हमने पहले करवाया हुआ, तो अब इन्होंने हम पे डाल दिया कि सर आप हमें चूज करके दें रंग रैप के कौन सा कराना है। जब मैं इस टाइम पे था, तो मेरे हालात तो ये थे कि मैं तो फोटोशॉप पे बैठा हूँ और बस रगड़ी जा रहा हूँ नाडो ग्रे को। मेरा तो कलर सेलेक्ट हो गया था कि नाडो ग्रे ही करना है, अब सिर्फ मैंने डिसाइड ये करना था कि वो सूट करेगा या नहीं, तो इनका कलर ही डिसाइड हो रहा भाई का। बात असल में ये है कि जो रैप है ना, उसका कलर डिसाइड करना इज अ वेरी बिग थिंग। अच्छा अच्छा है, ठीक है, कर देते हैं उसे, अभी टेंशन ना लो, आवाज आएगी तो, मुझे पता है यार, पता है डेढ़ साल से कर रहा हूँ मैं, भूल गया था। तो मकसद आपको बताने का ये है कि जो रैप है ना, बेसिकली मैंने आपको अपने ब्लॉग में ये जिक्र किया था कि जो गाड़ी का कलर होता है ना यार, वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है। अब मैंने तो कल ले लिया पंगा, वो पंगा पीछे पड़ा हुआ है, अब देखो हमें चेंज करवाना पड़ रहा है। वो कल मैं शुगर में मैंने ले लिया, मैं सोच रहा था कि यार शायद अच्छा लग जाए, लेकिन जब मैंने रात को बैठ के सुकून से सोचा ना, तो मैंने कहा यार नहीं, ये नहीं करना, जो पर्सनैलिटी पे चीज सूट नहीं करती वो नहीं करना चाहिए। अब इस बंदे को आप देखो, बंदा खुद नाटो में फिरता रहता है, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, बंदे को सूट कर रही है गाड़ी नाटो। तो पॉइंट ये है कि मेरे पे उस तरह की हरकत सूट नहीं करती। लालो, अगर आपको लालो का पता है, तो वो भी एक अलग लीग की गाड़ी है। तो पॉइंट आपको बताने का ये है कि रैप को सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, तो ये जो जिम्मेदारी की बंदूक है हमने इनके कंधे पे रख के चला रहे कंधे पे आ गए। तो अभी देखते हैं। बहरहाल यार, मैं भी अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि हर कलर हर गाड़ी पे सूट नहीं करता। आपने बड़े ध्यान से करना है। स्टॉप कॉपिंग नाडो ग्रे क्यों कहा था, क्योंकि नाडो ग्रे भी हर गाड़ी पे सूट नहीं करता। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही बात है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, तो जो जिसके लिए मैं जिस गाड़ी के लिए मैं रैप खरीद रहा हूं, मार्क एक्स, इसके ऊपर डार्क कलर्स बहुत सूट करते हैं, लेकिन मैंने लेना है पंगा। मैंने आपको शुरू में बताया मैंने को पुठा काम करना है, और पुठे काम को सीधा करके जब मजा आता है ना, वो कुछ लोग ही फील कर पाएंगे, हर बंदा नहीं फील कर पाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला कामयाब होता है, जो ज़ेफ़ा भाई हमें बताएंगे। अब देखते हैं ना, मार्केट चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या बनता है। अब आपस की बात ये है कि हम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करेंगे, हम आपको कलर दिखा देंगे, ठीक है ना। ताना ही हम दिखा देंगे कौन सा करवा रहे हैं, ताकि आपको पहले पता चल जाए।
ठीक है ना, स्टे ट्यून स्टे ट्यून। यहाँ से मैं भी एक ये कलर जो कि ज़रा ज़्यादा शो है, दूसरा ये कलर और एक इधर की पड़ा था ये कलर, ये तीन अच्छे लग रहे हैं। तीन भाई मुझे ले गए हैं साथ और मेरी बात ही नहीं मान रहे। जो कलर मैं अदरक तो कहता नहीं, ये नहीं कर रहा यार, मुझे क्यों लेके आया साथ। मेरी बात तो मानते नहीं। ये तो कुछ डिफरेंट ही निकला, सिर्फ ब्लू लिख के देखो, ये शॉकिंग है। एक सेकेंड, ये कलर ये मैट है लेकिन कलर अच्छा है। इसमें प्यारी लग रही है, क्या करें। बहुत कंफ्यूजन है भैया। ये कलर नहीं यार, क्या कर रहे हो, स्पेसशिप बन जाने। ये देखो वही कलर, डोरेमोन। समझ तो गए होगे कौन सा कलर था हमारे पास। ये लाइक किया मैंने, लेकिन ये वही बात है, ये रात को फिर उतना ही महसूस करना मुझे लग रहा है। नहीं ज्यादा वो बोला है, ज्यादा ब्राइट सा ब्लू, ज्यादा ब्राइट ब्लू है यार। ये मरी हुई टोन में नहीं है यार। ये दिखाना, ये जो ये लाल से के साथ है ये, हाँ ग्रीन और ब्लू टाइप शेड जो है जिसका, ये यार ये अच्छा है। इसको तो हम छोड़ देना क्योंकि ये एक डिफरेंट चीज है। पिंडी में सुना मार्केट है। मुझे तो पसंद आया कलर, ठीक है। नहीं जी मैंने किया। अच्छा यार ले लो फ्रेंड। कैसी फीलिंग है आपकी? नहीं यार क्यों, मैं भाई ने सिलेक्ट करवाया, टेंशन नहीं लेनी करेगा, सब बुरा लगेगा ना, इनका कहना आपने अपनी मर्जी की थी, इनको कहने देंगे ऐसी की तैसी। मैं आपकी बात कर रहा हूं यार। नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगने वाला है भाई, और मिलके हमने डिसाइड किया तो अगर अच्छा ना लगा तो ज़ैफा भाई की जिम्मेदारी है, मैं भरूंगा पैसे। करीब कर देना। तो सर फाइनली रूडी का रैप सेलेक्ट हो गया, ये आपको दिखाते हैं क्या हुआ है। दिस इज मच बेटर देन दिस। ये तो पता नहीं, ये पता नहीं क्या ले लिया था, कौन आया था साथ। रैप एक्सपर्ट आज के मसाए हैं आज, क्या क्या कर रहे हैं। इनको मैंने बताया था आप कैसे सिलेक्ट करते हैं, अभी आपको फायदा हो ही गया ना आपको लाने का। हाँ बिल्कुल, प्रो टिप देता हूँ अगर आपको भी, रैप कैसे सिलेक्ट करते हैं गाड़ी की। बस रुक जो, अच्छा यार मुझे बताओ, एक काम तो हो गया हमारा, अब मूड क्या है, दाल चावल खाना है, कढ़ाई खानी है या फिर बिरयानी खानी है। मैं खिलाता हूँ बताओ। दाल चावल ब्रो, ऑल द वे। रोस्ट की भी ऑप्शन है? नहीं 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 नहीं, दाल चावल। तो फाइनली रैप की टिप मैं आपको देना चाह रहा था, रैप की टिप। सबसे पहले चूज करना है कि कलर कौन सा करवा रहे हो, बेशक किसी गाड़ी में देखा हो बाहर की आपको कलर अच्छा लगा, आपने अपनी गाड़ी पे कराना है, उस कलर का नाम जरूर नोट करना है कि उस कलर का स्पेसिफिक नाम होता है, वो नाम क्या है प्लस उस कलर का कोड क्या है, कोड जो हैश टैग में कोड दिया होता है ना, RGB वाला या हैश वाला, वो ये हमें एक शॉप मिली है, इनके पास आपको नजर आ रहे होंगे सारे कलर्स के नाम लगे हैं और कोड्स लगे हैं, तो ये कोड बड़ा जरूरी है कि जब आपके पास कोड होगा ना तो आप मार्केट जाके कह सकते हो कि सर हमें इस फलाने कोड क्या या ये नाम है कलर का, ये हमें कलर चाहिए। इस तरह जब फोटो लेके जाओगे ना ढूंढते ही रह जाओगे कि भाई वो पता नहीं इससे मिलता जुलता है
या इससे मिलता जुलता है या इससे मिलता जुलता है, तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। और वो जब गाड़ी पे हो के आएगा तो सर आप कहेंगे कि ये क्या हो, हमने तो गोर कलर देखा था। तो कलर का नाम और कोड दोनों बड़ी जरूरी चीजें हैं। यही कंफ्यूजन हमें इस वीडियो में भी रही है कि उन्होंने एक फोटो में देखा हुआ था कलर, अब वो समझ नहीं था आ रहा वहां पे डिफरेंट शेड्स हैं उस कलर की, तो वो पता नहीं चल रहा। अब अक्सर फोटो पे फिल्टर लगा होता है, फिल्टर में कलर और चेंज हो जाता है, ये नोट रखना है जब भी रैप करवानी है गाड़ी। अभी वर्कशॉप आए हैं, ये मेरे ख्याल से लालो खड़ी है, जरा पास जाके भी देखते हैं कि क्या सीन। अल मशहूर लालो, माशाल्लाह चाहिए फुल ब्लैक इंटीरियर, ये इसकी कोई इंटरनल ऑपरेशन चल रहे हैं, और उसके बाद इधर लोगो शोगो सारे ब्लैक हो रहे हैं, पूरा ही ना चेस कराने वाले हैं। मजा चाहिए यार, ये इस मजे के लिए इंजन बड़ा होना चाहिए, हमारा इंजन छोटा है ब्रो। तो इसको अभी पुटिंगें लग रही हैं, क्योंकि रैप से पहले अगर आपकी बॉडी पे कोई डेंट होगा ना तो उसके ऊपर रैप बड़ा गंदा बैठता है, वो नज़र आता है डेंट, तो इसलिए जितनी पुटिंग वाला काम था सारा इसका हो रहा है। मैं इनसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस गाड़ी के रैप के लिए, क्योंकि कलर बड़ा अजीब और बड़ा डिफरेंट कलर है, लेकिन जब ये ब्लैक छत ब्लैक के साथ भी बनेगा ना तो चस कराएगा, चस इंशाल्लाह चस कराएगा। बाकी रैप्स की ये बात है कि यार अगर नहीं भी अच्छा लगा हफ्ते बाद महीने बाद आप बदल लो, कोई बात नहीं। जब से भाई ये गाड़ी चलाई है ना, जब से ये गाड़ी चलाई है इसके अंदर बैठने का दिल करता है कि मतलब एक प्रीमियम फील आती है गाड़ी में बैठ के, प्रीमियम। यार मैं अपने प्यार के साथ अपना इजहार कर रहा हूँ, सॉरी। मेरे पास ये तीसरी गाड़ी है ग्रैंडी, होंडा सिटी रखी पहले 2002 मॉडल, उसके बाद होंडा सिटी एस्पायर रखी, और तीनों गाड़ियां लेने से पहले मुझे मार्क एक्स लेनी थी। इतना क्रेज मार्क एक्स का कि यार काश, लेकिन लोग डराते थे यार पता नहीं फ्यूल खाएगी, ये होगा वो होगा, डर के मारे ये गाड़ी नहीं ली। और आज मैं पछता रहा हूँ, लिटरली पछता रहा हूँ कि यार ये गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए थी, लेकिन अब तो नहीं। खैर अब तो ज़रा बड़े ख्वाब हैं भाई के, इंशाल्लाह अगर पूरे करने का मौका मिला तो। लेकिन यह है कि ये गाड़ी ना आज भी बहुत खूबसूरत है यार, मैं कहता हूँ कमाल। क्या बात है, ग्रैंडी में बैठ के मैं नहीं थकता, हालांकि ग्रैंडी का इंटीरियर कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन इसके अंदर अपनी लाइफ में ग्रैंडी मार्क एक्स दो गाड़ियों में से एक गाड़ी लाजमी चलाना। अगर आप आज आपके पास गाड़ी नहीं है, ग्रैंडी मार्क एक्स कैमरी और उससे आगे फिर क्रूजर वगैरह लेक्सस, ग्रैंडी मार्क एक्स लाजमी चलाना, लाजमी रखना, फ़र्ज है तुम पे। ओके मज़ा आएगा। तो यहाँ पे खावर भाई हैं, उनसे बात हुई है, तो हमारी गाड़ी का जो फ्यूल पंप का इशू है वो भी होपफुली यहीं से रिजॉल्व होगा, तो मंडे को इंशाल्लाह हम अपनी गाड़ी लेके आते हैं। भाई अच्छे लग रहे हैं, छोटा गाय खावर भाई, अल मशहूर खावर भाई, देखते हैं कि ये उसका सलूशन कर पाते हैं कि नहीं। इसका होने जा रहा है एक छोटा सा रोड टेस्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। इस गाड़ी का फैन हूँ मैं ज़्यादा। तो यार अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं रोड टेस्ट के लिए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। ओ भाई कमाल, वो गया ये भाई, सारा कुछ इधर तो नहीं जा रहा भाई, बड़ी पिक पड़ गई है ये, मैं क्या चलाता हूं। मैं एक इंजेक्टर खराब के साथ मार्केट्स को हराया ही थी रेस, याद नहीं आपको? भाई फोन छोड़ दें प्लीज, आप कैसे 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 ड्राइवर है, क्या प्रमोट कर रहे हैं आप भैया? मार्केट्स इज ऑन रोड माशाल्लाह। ये चस है ना, ये चस है ना, ये रंग उड़ा रहे हो तुम, स्मेल आ रही है स्मेल। ये फक्के मार रही है फक्के इस टाइम, ये जितनी तुम भगा रहे हो सीट बेल्ट से कुछ नहीं होना। 2 hours later. की जो बातें हैं फ्यूल पंप की वो अब होंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। वर्कशॉप हमें मिल गई है, मैं यही ढूंढ रहा हूँ यार, हाई करना यार, कमाल लाइट पड़ रही है इस टाइम। तो खैर वर्कशॉप हमें मिल गई है, मैकेनिक भी हमें मिल गया, इससे फ्यूल पंप का रोला जो है अब इंशाल्लाह जाके मंडे को ट्यूजडे को कराएंगे सही, और इनसे लेते हैं इजाज़त सर। okay,
गुड लक फॉर द न्यू लुक। वेरी एक्साइटेड बंदा, बड़ा एक्साइटेड है इस टाइम। सेम वही मेरे वाली सिचुएशन है जब मैंने नाडो पहली दफा करवाया था, मैं भी ऐसे ही घूम फिर रहा था। फिर आ गए यार तुम, जाते क्यों नहीं? अल्लाह करे बस का फ्यूल पंप ठीक हो जाए। बाकी फिर ये क्या हाल चाल है? ठीक है। ये जो रोला है ना यार, ये इतना वो दुख रहा है, इसका मैं क्या करूँ? कुछ कर भी तो नहीं सकते। ये ऑलरेडी हमने चेंज करवाया था पार्ट, तो ये दोबारा चेंज देखेंगे अभी कब होता है। और फिर ये चेंज कराने के लिए ये सारा पार्ट प्लस ये पिलर वाला पूरा पार्ट चेंज होना है, तो देखते हैं। खैर बड़ा सोच समझ के हमने इस कलर सेट किया है, और कलर मज़े का है। मार्क एक्स गाड़ी ज़रा थोड़ी सी प्रीमियम गाड़ियों में भी आती है, तो ये कलर ऑब्वियसली बड़ी गाड़ियों वाला कलर है जो कि जर्मन गाड़ियाँ हैं, लेकिन मार्क एक्स है। प्लस रिम्स बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं, गाड़ी ड्रॉप हुई हुई है, और उसके बाद जो जितने भी क्रोम्स या दूसरे पार्ट्स वो सारे ब्लैक्ड आउट होंगे। गाड़ी पे उठेगा इंशाल्लाह, कलर उठेगा, मज़ा आएगा। तो देखते हैं ये कब लुक रिवील होती है। मेरे ख्याल से एक दिन डेढ़ दिन पूरा लगना है उसको रैप होने में। तो आई होप एक नई गाड़ी एक नए कलर में देखने को मिलेगी। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ भाई, आई होप आप भी होंगे। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगला हम ब्लॉग इसके फ्यूल पंप पे बनाएंगे, तो देखते हैं कि वो सही हो पाता है कि नहीं। तो दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। अंदर फंस गए, ये नहीं खुल रहा, इसको क्या हुआ? चलता कहाँ से? वो कॉर्नर वाला नीचे वाला बटन, ये वाला नीचे कॉर्नर, ये वाला पता सारा यार वो उर्दू में लिखा, ये वाला।